वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के सामने बड़ी चुनौती मध्य क्रम पर बन रहा है सिरदर्द। अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय ओपनर रोहित शर्मा जल्द आउट हो गए, लोकेश राहुल भी ज्यादा नहीं चल सके। ऐसे में कप्तान कोहली के साथ बड़ा स्कोर बनाने की जिम्मेदारी मध्य क्रम पर आ गई थी, लेकिन वह कसौटी पर ज्यादा खरा नहीं उतर सकी। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भी अफगानिस्तान के खिलाफ मध्य क्रम ऑर्डर की धीमी बल्लेबाजी पर नाखुशी जाहिर की। सचिन ने एक समाचार चैनल में कहा है कि केदार यादव और धोनी के बीच जो साझेदारी हुई वह काफी धीमी रही। सीनियर धोनी हार्दिक पांड्या बेहतर भूमिका नहीं बना सके, धोनी का बल्ले से ज्यादा योगदान ना दे पाना टीम इंडिया के लिए चिंता का सबब बना। धोनी ने इस मैच में 52 गेंद पर 3 चौके की मदद से 28 रन बनाए। भारत इस मुकाबले में 50 ओवर में 4 विकेट पर 224 रन बना सका, लेकिन उसके गेंदबाज ने अफगानिस्तान टीम को 49 ओवर में 213 रन पर ऑल आउट कर दिया और विराट कोहली की टीम 11 रन से मैच जीत की दर्ज की। भारत के लिए विराट कोहली ने सर्वाधिक 67 रन बनाए। केदार यादव ने 68 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 52 रन की पारी खेली। धोनी 27वें ओवर में जब क्रीज पर आए, इस समय दूसरे छोर पर कप्तान कोहली खड़े थे। भारत का अनुमानित स्कोर 294 माना जा रहा था, पर टीम 224 ही बना सकी। 29वें ओवर तक धोनी ने 13 गेंदें खेली थी जिसमें 11 पर रन नहीं बनाया था। कोहली 31वें ओवर पर आउट हो गए थे, इसके बाद 37 गेंद पर बाउंड्री नहीं लगी थी। धोनी यादव के अलावा विजय शंकर और हार्दिक पांड्या का भी बल्ला खामोश रहा, दोनों ने मिलकर 50 गेंदों पर 36 रन बनाए हैं। वर्ल्ड कप 2019 में कौन सी टीम जीतेगी, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।